आज होम स्टे वालों का छोटा सा गार्डन। 26 साल सर्विस की कुमाऊं ग्रुप नागा रेजिमेंट। मेरा नाम श्री और हम खिसूर के। अच्छा सर, कोई जो गेस्ट लोग आते हैं, जब बड़ी फैमिली है, 5-6 आदमी हैं। मनवर सिंह पवार जी जिनका यहाँ पे बैठ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों आपको ले चलते हैं एक सुंदर से होम स्टे में। दोस्तों अभी होम है रिवाज होम स्टे किरसू में, और यहाँ पे अंकल जी हैं इसके ऑनर, जिन्होंने यहाँ पे ये होम स्टे खोला है। तो थोड़ा उनसे बातचीत कर लेंगे इस संबंध में, इस होम स्टे के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं और क्या क्या यहाँ पे कस्टमरों को वो सुविधाएं देते हैं। तो अंकल जी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमराट कल्चर में। पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमराट कल्चर में। धन्यवाद जी। जी तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी मेरा नाम श्री मनवर सिंह है, पवार हैं जी, और हम खिसूर के रहने वाले हैं। हमने यहाँ पर रिवाज होम स्टे के नाम से यहाँ पर बनाया हुआ है। हमारे पास 5 कमरे और हर सुविधा, जो भी हमारे गेस्ट लोग आएंगे उनको जो भी सुविधा मांगेंगे हम उसको देने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं पहले आर्मी में सर्विस करता था। मैंने 23 साल सर्विस की। कौन सी रेजिमेंट में? 26 साल सर्विस की कुमाऊं ग्रुप नागा रेजिमेंट। अच्छा, नागा रेजिमेंट में। नागा रेजिमेंट जी, लाइट इन्फेंट्री जी। जी उसके बाद मैं पेंशन आया, फिर यहाँ पर मेरे बच्चे भी आर्मी से संबंधित हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एक अपना दिमाग से कहा कि हम यहाँ पर एक होम स्टे बना दें, ताकि कोई भी गेस्ट लोग आए हमको, हम उनको अच्छी सुविधा दे पाए। जी जी जी। आपने ये होम स्टे का जो उद्घाटन किया, कब किया, कौन से सन में? ये इसका सर उद्घाटन हमने 2022 में जून के महीने में इसका उद्घाटन किया। हमने ये 2 ही कमरे बनाए थे पहले जी, और उसके बाद जब हमारे यहाँ पर गेस्ट आने लग गए, कमी होने लगी कमरों की, तब उसके बाद हमने 2 कमरे ऊपर बनवाए, 3 कमरे ऊपर बनवाए, ताकि कोई भी गेस्ट आए तो उनको जो है अच्छी सुविधा मिले और कहीं भटके नहीं। अभी डाउन सीजन में तो हम लोग यहाँ पर 1,000 रुपये है एक नाइट का जी। सीजन में तो सर 1,500-2,000 उस टाइम तो बहुत उसमें चलता है, लेकिन अभी जो है हमारे बच्चों ने इसको ऑनलाइन में डाल दिया है और रेट फिक्स कर दिया है अभी इसका होम स्टे का, तो वही जो ऑनलाइन में डाल रखा है हमने जो रेट, वही हम रेट लेंगे। अंकल जी आपने होम स्टे का नाम रिवाज रखा है, रिवाज जो गढ़वाली शब्द है, तो आप इसके संबंध में कुछ कहना चाहोगे? जी हमने जो है इसको रिवाज अपने कल्चर के नाम से लिखा। हमारा कल्चर कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, हम गेस्टों को इस उसमें कैसा खाना, जो हमारा गढ़वाल में खाना बनता है, उस वजह से हमने इसका नाम रिवाज लिखा। हम घर का खाना और मंडुए की रोटी, हरी सब्जी, गाय भटकी दाल, इस वजह से हम यहाँ पर रिवाज, इस नाम से हमने रिवाज होम स्टे लिया, ताकि हमारा गढ़वाल का कल्चर आगे बढ़े। दोस्तों ये थे हमारे साथ श्री मनवर सिंह पवार जी, जिनका यहाँ पे किरसू में मेन किरसू जहाँ पे स्टेशन है वहाँ पे होम स्टे है, तो जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं उसके जस्ट बगल में रिवाज होम स्टे। आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ की सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं रिवाज होम स्टे के कमरों में कि किस तरह से यहाँ पे उन्होंने कमरे बना रखे हैं और क्या 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 फैसिलिटियाँ यहाँ पे यात्रियों को मिलने वाली हैं, मिलती हैं। ये है रिवाज होम स्टे के रूम। हमने गेस्टों के लिए पूरी सुविधाएँ रखी है सर। डबल बेड का कमरा है, टीवी लगा हुआ है और बाथरूम है, और ठंडियों में जो है गीजर इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं, और गर्मियों में ठंडा पानी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कितने साफ और क्लीन हैं यहाँ के लैट्रिन बाथरूम, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे हाथ धोने के लिए साफ टॉयलेट, और यहाँ पे गीजर की भी सुविधा है, जो हमें आप गीजर के पानी से
स्नान कर सकते हैं गर्म पानी से। और फिर दिखाएंगे आपको यहाँ के कमरे, ये सुंदर सी यहाँ पे टेबल है, कुर्सियाँ हैं, आराम से यहाँ पे बैठ करके आप अपना काम कर सकते हैं, टीवी में इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। और गर्मियों के लिए पंखा, और यहाँ पे डबल बेड, आराम से दो आदमी सो सकते हैं। अच्छे साफ सुथरे गद्दे, चद्दर, तकिया और सुंदर से पर्दे, और विंडो कितनी बड़ी है, यहाँ से बिल्कुल आर पार दिखाई देता है। वहाँ से आप किस्सों का पार्क है आगे, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, देवदार की वृक्ष हैं, उनका लुक ले सकते हैं यहाँ पे मॉर्निंग में। छोटू तेरा नाम क्या है? आदि। अच्छा अंकल जी की क्या लगते हो आप? ये है किचन दोस्तों, जहाँ पे खाना पीना बनता है, बहुत सुंदर किचन, साफ सफाई, हर एक चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ बाहर में विंडो। यहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं आराम से, और पार्टी शार्टी कर सकते हैं। विंडो भी काफ़ी खुला हुआ है दोनों तरफ से, हवादार बिल्कुल। और मित्रों ये है रिवाज होम स्टे वालों का छोटा सा गार्डन, यहाँ से वो हरी सब्जियाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, खिलाते हैं। और आगे उनका आगे आप एक पोली हाउस दिख रहा होगा, वहाँ पे भी उन्होंने सब्जियाँ ग्रो कर रखी हैं, यहाँ पे धनिया, प्याज, टमाटर, दुनिया भर की चीज़ें। ये है भैंसा, और भैंस की दूध की प्योर चाय आपको यहाँ पे पीने को मिलेगी। ये थोड़ा उसके साथ ये बकरियाँ भी हैं, रिवाज होम स्टे के दो माले के रूम में मित्रों ये हैं, दो माले के रूम, दो मंजिल की, यहाँ भी सेम सुविधाएँ हैं। कुर्सियाँ, टेबल, और बड़ा यहाँ पे गोदरेज, अलमीरा, और बड़ी टीवी, स्मार्ट टेलीविज़न, आधुनिक युग का, और सुंदर सा यहाँ पे बेड, और खूबसूरत पर्दे, खिड़कियाँ, हवादार। और उसके साथ साथ ये बालकनी भी है यहाँ पे, एक और चीज़ यहाँ पे नई देखने को मिलेगी। यहाँ पे बालकनी, आप आराम से बालकनी में बैठ करके शाम की चाय पी सकते हैं, हवा ले सकते हैं, पंछियों की चहचहाट सुन सकते हैं। देखो इन डालियों में जो पंछियाँ बैठती हैं उनके मधुर स्वर आप सुन सकते हो। दोस्तों मैं हूँ अभी रिवाज होम स्टे किस्सों में, बहुत ही सुंदर यहाँ पे यहाँ के ऑनर द्वारा सुविधाएँ दी गई हैं टूरिस्टों के लिए, काफ़ी सुंदर लगा हमें यहाँ पे पहुँच करके। आपको अभी आपने यहाँ पे देखे होंगे कमरे कितने साफ सुथरे हैं, और हर फैसिलिटी जो होनी चाहिए टूरिस्ट के लिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आएंगे उनके लिए फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियाँ वो अपनी किचन गार्डन में उगाते हैं, खिलाते हैं ऑर्गेनिक, फिट और स्वस्थ रहने के लिए। दोस्तों ये है रूम नंबर तीसरा, अगर कभी टूरिस्ट लोग ज़्यादा हो जाते हैं और उसमें मेल फीमेल प्रकार की फैसिलिटी अच्छी होगी टूरिस्ट को, तो यहाँ पे डबल रूम सेट है, ये आराम से आदमी इन रूम में रह सकता है। ये फर्स्ट रूम और ये सेकंड रूम है, तो ये डबल रूम सेट की भी यहाँ पे कमरे हैं। ये रूम नंबर दूसरा, डबल रूम सेट। अंकल जी डबल रूम सेट के बारे में आप कुछ बोलोगे, कितने टूरिस्ट यहाँ पर रह सकते हैं? ऐसा सर, कोई जो गेस्ट लोग आते हैं, जब बड़ी फैमिली है, 5-6 आदमी हैं, तो इस वजह से इस कमरे को हमने इस प्रकार से बना रखा है कि 3 आदमी एक बेड में और 3 आदमी एक बेड में, अंदर और बाहर, इस प्रकार से हमने ये कमरे बनाए हुए हैं।
जी थैंक यू। दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट कर सके, आपका मोटिवेशन कर सके। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।